हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण जायका। आज मैं बेसिक कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं या मेहमान के आने से पहले बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में और बाद में इसे सेक सकते हैं। ये रेसिपी काफी आसान है, बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बेसिक कबाब के लिए मैंने 3 आलू लिया है उबला हुआ, आधा कप से थोड़ा ज्यादा कॉर्न लिया है, ये भी मैंने उबाल लिया है, आधा कप मटर है इसको भी मैंने उबाला है, 1 कप पनीर है जिसे मैंने ग्रेट किया है, आधा कप से थोड़ा कम है बीन्स, आधा कप गाजर है जिसे मैंने बारीक काटा है, ये चने का आटा है, या अगर चने का आटा ना हो तो आप बेसन को हल्का भून लें, 1 प्याज है बारीक कटा हुआ, 1/3 कप चीज है और कुछ मसाले हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे आलू को मैश करना है। आलू को मैं मैश करूंगी और कॉर्न और मटर को मैं चॉप करूंगी। बहुत ज्यादा बारीक नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं चाहिए। मैं इसे कर लेती हूँ पहले चॉप, मैं एक साथ कर लूंगी इसे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे। अब मैं डालूंगी हरी मिर्च। मुझे मिर्च का पाउडर भी डालना है, इसलिए मैंने 2 छोटे साइज का हरा मिर्च डाला है। अब मैं डालूंगी अदरक, अदरक मैंने 1 टीस्पून लिया है। मैं डालूंगी प्याज, प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम डालेंगे बीन्स, गाजर, और इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, हमें आलू सब्जी और पनीर के हिसाब से नमक डालना है, तो मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक। और मैंने ये जो चॉप किया था कॉर्न और मटर, अब मैं इसको डाल दूंगी इसमें। और हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका मॉइस्चर चला नहीं जाए पूरा, तो हमें ड्राई रखना है इसे। इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, आमचूर मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला थोड़ा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पनीर डालेंगे। हमें फ्लेम मीडियम ही रखना है। थोड़ा सा मैं हल्दी डालूंगी, वैसे आप हल्दी नहीं डालेंगे तब भी चलेगा, तो मैं थोड़ा सा डाल देंगे। इस तरह से दबाते हुए भूनना है।
चीज हम लास्ट में डालेंगे। अभी अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब हम डालेंगे धनिया पत्ता। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, फिर हम चीज डालेंगे। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, अब मैं चीज डाल देती हूँ। जब गर्म हो मिक्सचर तभी आप चीज डालें, तो वो आसानी से मेल्ट हो जाता है और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर लास्ट में हमें गरम मसाला डालना है, वो मैं बहुत कम डालूंगी, 1/4 टीस्पून के करीब डालूंगी। अब इसे मिक्स कर लेना है और 10 मिनट के लिए ठंडा होने देना है, फिर हम आलू में मिक्स करेंगे इसे। आलू को हमें इसमें भूनना नहीं है, इसलिए मैंने नहीं भूना, इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम इस आलू में मिश्रण को डालेंगे। और भुना हुआ चने का आटा हम पहले 2 टेबलस्पून डालेंगे, फिर देख लेंगे कितना और चाहिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे थोड़ा और चाहिए इसमें, इसमें और चाहिए 2 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा बाइंडिंग होता है। ये कबाब का मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है और ड्राई भी है, देखिए। अब हमें इसे धुआं देना है, तो बीच में हम गड्ढा कर लेंगे इस तरह से। और एक स्टील का कटोरी बीच में रखेंगे। चारकोल से धुआं दे सकते हैं, अगर चारकोल नहीं हो तो नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है उसे आप धुआं दे सकते हैं। तो इसे हमें भी अच्छे से जलाना है इसे। ये अब जल चुका है, इसे बीच में डालेंगे और 1 चम्मच घी डालेंगे इसके ऊपर। और इसे ढक देंगे, इसे 5 मिनट के लिए ढकना है ताकि इसके अंदर धुआं का खुशबू चला जाए। अब मैं इसे देख लेती हूँ, ये धुआं अच्छे से चला गया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छे से। मैंने उडेन का साटे स्टिक लिया है, जिसे मैंने पानी में भिंगो के रख दिया था 1/2 घंटे के लिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम हाथ में थोड़ा घी लेंगे और नींबू से थोड़ा बड़ा साइज का मिक्सचर लेंगे और लंबा आकार देंगे इसे। और स्टिक को बीच में इस तरह से डाल देंगे
बहुत सावधानी से करना होगा, नहीं तो ये टूट सकता है। देखिए इस तरह से करना है, सभी को बना लेना है। इस तरह से हम सभी को बना लेंगे। उतने मिक्सचर में हमारा 10 कबाब बना है। अब मैं आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दूंगी। इसे खुला रखना है, ढककर नहीं रखना है। कबाब को मैं नॉनस्टिक तवे पर सेकूंगी और फ्रिज से मैंने निकाल लिया है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो तवे पे हम तेल और घी दोनों डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। इसे टेस्ट काफी अच्छा आता है और इसे चारों तरफ फैला देंगे। और तवे पे डालने से पहले एक बार इसे अच्छी तरह से इसे अच्छे शेप दे देंगे। इसे हम एक एक करके डालेंगे इसमें इस तरह से अच्छे से। इसे हमें लो फ्लेम में ही सेकना है। बीच बीच में हम तवे को इस तरह से कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा घी इसके ऊपर हम डालते जाएंगे, इधर ड्राई है उधर। अब इसे पलटना है, पर ध्यान से पलटे इसे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। इसे बहुत ही सावधानी से पलटना है। इसे सेकने में थोड़ा टाइम लगता है, बस इसे हाई फ्लेम नहीं करें आप, लो फ्लेम टू मीडियम फ्लेम में रखें इसे। अब मैं घी नहीं लगाऊंगी, एक बार ऊपर से लगा ले और पलटने के बाद वापस एक बार लगा ले, बस ज्यादा नहीं लगाना है। हमारा कबाब अच्छे से सिक चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। इसे निकालते समय आप सावधानी से निकालें, नहीं तो ये टूट जाता है, काफी सॉफ्ट होता है। इस तरह से मैंने बेसिक कबाब बनाया है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आए। ये काफी अच्छा बना है, मुंह में घुल जाने वाला बना है, ये सॉफ्ट ही होता है। इसे मैंने दही की चटनी के साथ सर्व किया है। आपको ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे रेसिपी के साथ।